देंगे आप पावर 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 पावर। शिफ्ट गियर 104। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार भैया जी व्लॉग में। और आज हम एक छोटा सा राइड क्या है या एक करोल बाग जा रहे हैं हम। एंड क्या कहते हैं, 15 अगस्त आने वाला सबको पता है, तो थोड़ी सी शॉपिंग करते चांदनी चौक लाल कुआं, अगर जिसको पता है। बाकी नहीं पता है तो हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे टाइट का पूरा मार्केट है पतंगों का। तो थोड़ा बहुत पतंग भी लेकर के आएंगे। और अपना ये वाइज़र आप देख रहे हो, जैसे इसका वाइज़र टूट गया था। तो करोल बाग जा रहे हैं अभी हम, तो करोल बाग में देखते वाइज़र, अगर वाइज़र मिलता है हमें तो वाइज़र भी लगवाते। अदरवाइज मैंने ऑनलाइन बुकिंग कर चुका हूँ मैं वाइज़र, और आपको अगर चाहिए होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अदरवाइज अगर यहाँ पर हमें अच्छा मिल जाएगा करोल बाग में तो हम वहाँ से ले लेंगे। बाकी लेट्स सी, मौसम भी आज का मौसम बहुत क्या बदला हो रखा है। अभी घर से हम निकल चुके हैं क्योंकि बारिश हो रही थी, इसलिए रिकॉर्ड वहाँ से स्टार्ट नहीं किया हमने। हम यहाँ पर पे हैं दिल्ली कैंट में अभी। हम अब यहाँ से अभी हम जा रहे हैं, पहले करोल बाग जाएंगे। करोल बाग में थोड़ा सा देखते हैं अगर वाइज़र का काम हो जाएगा तो वाइज़र काम, उसके बाद फिर हम जाएंगे चांदनी चौक लाल कुआं। फिर आपको दिखाएंगे हम सारे नज़ारे चांदनी चौक के। और आने वाला 15 अगस्त आने वाला है, उससे इसलिए एडवांस है आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चलो तो गाइस अब निकलते हैं हम यहाँ से। चलिए लेट्स गो। तो अभी जैसे आपको बताया मैंने कि वाइज़र लगाना है इसमें मुझे, वाइज़र टूट चुका है इसका तो वाइज़र देखते हैं, अगर वाइज़र मिल जाता है तो वाइज़र लगाते हैं। और हाई मे बी चांसेस है कि नेक्स्ट वीक आपको एक नया व्लॉग में इसके बाद, मतलब ये व्लॉग के बाद आपको नेक्स्ट व्लॉग मिलेगा। उत्तराखंड का लेंस डाउन का प्लान हो रहा है हमारा, बट इस बार सिर्फ मैं अकेला रहूँगा। इस बार और कोई भी मेरे ग्रुप के फ्रेंड्स कोई नहीं जा रहे, मैं अकेला जाऊँगा, लेंस डाउन जाऊँगा। दो छोटा ट्रिप होगा, ज़्यादा बड़ा ट्रिप नहीं रखेंगे कि सैटरडे जाएंगे संडे वापस आ जाएंगे। उसके बाद ये देखते हैं, अगर मौसम भी देख रहे हैं, मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर मौसम भी सही रहा तो निकल जाएंगे, अगर मौसम ख़राब रहा तो पोस्टपोन कर देंगे। बट जाएंगे ज़रूर, ब्लॉग आएगा ज़रूर, एक हफ्ते नहीं दो हफ्ते में आएगा, बट आएगा ज़रूर दोस्तों। मुझे, मैं भी सोच रहा था कि क्यों ना थोड़ा सा बाइक को मॉडिफाई करा जाए, रैप वगैरह अगर करा सके तो कराते हैं, कैसा लगेगा। आप भी थोड़ा कमेंट करके थोड़ा सजेस्ट करिए कि कौन सा बढ़िया रहेगा रैप, या कोई फ़ोटोज़ वगैरह। इंस्टा, मेरा इंस्टा हैंडल नीचे होगा डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा पे फ़ोटोज़ वगैरह भेज सकते हैं आप, तो थोड़ा सा मुझे भी हेल्प हो जाएगा देख मतलब डिसाइड करने में कौन सा सही रहेगा इसमें रैपिंग का करवाना चाहे तो। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करवाते हैं। और ये हम आ गए धौला कुआं है ये, अब थे करोल बाग, हम करोल बाग जाएंगे। करोल बाग बाइकों की दुनिया है, वो बाइकर्स जो दिल्ली में रहते हैं उनको वो जानते होंगे करोल बाग में क्या है। खासकर नाई वाला जगह का नाम है, पूरा बाइकों का मार्केट है, बाइक एंड कार्स सारी एसेसरीज वगैरह सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। ट्रैफिक आज सैटरडे है बट आज इतना ट्रैफिक मिलेगा नहीं, नहीं मार्केट में हमें इतना भीड़ मिलेगा, इसलिए मैं सैटरडे को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मार्केट में। अभी करोल बाग में भी खाली खाली रोड होता है, देखो पूरा खाली रोड है, थोड़ा सा भगा के देखते हैं। चलो गाइस पावर देखेंगे आप पावर 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 पावर। फिफ्थ गियर 104। बट रिस्क है दोस्तों, रिस्क है। गाइज कुछ भी कहो गाइज, इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा, पता ही नहीं चलता। एक तो पलक झपकते स्पीड भी पकड़ लेता है और पलक झपकते ब्रेक भी लग जाता है कंट्रोल, मतलब गाड़ी आपके कंट्रोल में रहती है। मौसम बहुत बढ़िया कर रखा है, अभी जैसे घर से निकल रहे थे स्टार्ट, मतलब घर से निकला ही और बारिश इतनी तेज़ हो गई
तो रुक गए हम, मैंने चलो थोड़ा रुक के चलेंगे। अब बारिश रुक गई है, देखो मौसम क्या बढ़िया हो रखा है। ऐसे मौसम में बाइक राइड आहा मज़ा ही आ जाता है दोस्तों। बस बारिश ना हो, ये कंडीशन मौसम ऐसा रहा है बट बारिश ना हो। फिर भींगने के बाद ना फिर शरीर एक तो गीला रहता है, फिर बाइक फिर चलती नहीं है, अनकम्फर्टेबल सा लगता है। फिर चाहे आप कितना ही रेन कवर रेन कोट पहन लो, नहीं चलती है बाइक फिर। और अभी हमारी सारी वीडियो डल चुकी है, जो लास्ट राइड हिमाचल वाली शिमला दिल्ली टू शिमला वाली सारी वीडियो डाल चुका हूँ। जिसने अभी तक नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हो आप लोग प्लीज़। तो गाइस हम करोल बाग पहुँच चुके हैं, रेड लाइट पे खड़े हैं। फिर आपको हम दिखाएंगे बाइकों की दुनिया, बाइक जहाँ जितने बाइकर्स हैं दिल्ली में वो हर कोई इस जगह से वाकिफ होगा, सबको पता होगा इस जगह के बारे में। चलो आपको दिखाते हैं अभी हम। हाँ यहाँ पे, और दूसरी बात यहाँ पे यूज्ड बाइक भी मिलती है, जिसको अगर सेकंड हैंड बाइक परचेस करनी है, जिसको देखना है वो यहाँ पे आकर के एक बार देख सकता है। अच्छा, और ये हमारे हनुमान जी पीछे, जय श्री राम। देखो सैटरडे को, अभी ये कल आता, मैं संडे को आता, कल यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, ये पूरा जाम लगा रहता है ये रोड, और अभी देखो खाली पड़ा है। तो ये फ़ायदा होता है सैटरडे को आने का। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, ये बाइक कार्स का है और उधर बाइक का है, तो हम इस वाले रोड पे जाते हैं। इधर ही था उस भाई का दुकान। चलो 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 चलो, देखो ऐसा खींच मंगवाते हैं ना, बुलाते हैं ना ये लोग। यही है ना, ये आ गए हम बुलेट राइडर के पास। ये वाइजर आ गया है, ठीक है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट है, प्योर ब्लैक है ये। अब यहाँ लगा कर पूछता हूँ ये कितने का है। ये हमें पड़ा है 550 रुपये का, ठीक है, फिटिंग के अलग से जो भी ले ले बट 550 का ये प्रोडक्ट है। ऑनलाइन भी 500 कुछ समथिंग का ही था जो मैंने बुक कर रखा है, तो वो मैं कैंसिल कर दूँगा, मिल नहीं गया। तो बाकी लगवाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये यहाँ पे सेटअप होगा इनका। तो गाइस हमने ये लगवा लिया वाइज़र, यहाँ से वाइज़र हो गया है। ये आपका बुलेट राजा करके है, राइडर बुलेट राइडर है ना, मतलब सारा काम मैं यहीं से करवाता हूँ। और बाकी अपना यूट्यूब का चैनल का हैंडल का नाम भी इस पे लिखवाया मैंने। अब यहाँ से निकलते हैं हम चांदनी चौक। मैप लगा लेता हूँ कि मैंने जो ऑनलाइन मंगाया है उसको मैं कैंसिल कर दूँगा प्रोडक्ट। मेरे को ये पड़ा है 550 रुपये का, बाकी फिटिंग विटिंग वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना लेते हैं आपसे फिटिंग, पर ज़्यादा नहीं लेंगे, 20-30 रुपये ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी लेकिन सीन ऐसा है कि इसके लिए ये क्लैम्प्स मैंने ऑलरेडी मंगवा रखा था, जो ऑनलाइन मंगाओगे आप लोग तो उस पर ये सारा क्लैम्प्स ये फिटिंग्स आते हैं, बट यहाँ से मैंने सिर्फ वाइजर लिया। अब ये इनके पास ये क्लैम्प है कि नहीं ये आपको पता करना पड़ेगा, ये फिटिंग कैसे करेंगे, और नहीं होगा तब आपको ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा। बाकी अब निकलते हैं यहाँ से। तोड़ दिया, गया टूट गया। अब वो क्या कर सकता था भाई, भाई अब एकदम से टूटे सामने आ जाएगा तो एकदम से ब्रेक तो मार नहीं सकता ना। सो गाइस अभी ट्रैफिक देख लो, ये है चांदनी चौक जाने, चांदनी चौक का रास्ता ये देखो, ये असली दिल्ली जो देखोगे आप, ये असली दिल्ली, ये देखो बैलगाड़ी, ये हमारे साइड अभी भी नहीं है अभी, और सोचो ये अभी भी यहाँ चलती है,
पुरानी दिल्ली में। अंकल जी हाथ लगा के देख रहे हैं कि गर्म हवा कहाँ से आ रहा है। राहुल अंकल जी हाथ लगा के देख रहे हैं कि गर्म हवा आ कहाँ से रहा है ये। मैं बताना भूल गया अंकल, ये एसी चला रखा है, अंदर साइड ठंडा कर रहा है, बाहर साइड गर्म फेंक रहा है। KTM की सारी बाइक्स हीटेड प्रॉब्लम तो रहा है शुरू से, बहुत ज़्यादा हीट होती है ठंड में। यही हीट मज़ा आता है जब इस पे बैठते हैं हम, तो ठंड में मज़ा आता है, मगर गर्मी में ऐसा लाल कर देता है ना। ये तो जीन्स पहना हुआ है अभी हमने, जीन्स में ऐसा है, अगर हाफ क्या कहते हैं शॉर्ट्स वगैरह पहन के निकलो तो भाई लाल कर दे पैर को। तंदूर बना दे तंदूर। ये है पुरानी दिल्ली में, स्वागत है दोस्तों, देख लो। हमने शॉर्टकट मारने के चक्कर में ना इस गली में घुस गए हम, बट गूगल बाबा है ना हमारा, ऐसा बताता रहता है। पहुंच गए हैं, ये जगह का नाम है लाल कुआं। अब जरा ढूंढते हैं मार्केट कहाँ कहाँ, मतलब मार्केट तो यही है, अब पतंग ढूंढते हैं जो जो अच्छा लगे आपको भी दिखाएंगे। देखो ये लग रखा सारा पतंग लग रखा है ये मार्केट में। सो गाइस देखते हैं कहाँ बढ़िया बढ़िया पतंग मिलती है। ये देखो यहाँ पे पैकेट भी मिलता है, ये देखो कितनी, ये देखो इनके पास कितनी बड़ी पतंग है, ये देखो कितनी बड़ी पतंग है ये। वो चलिए ना उसके नीचे में एक बड़ी पतंग भी लेके चलेंगे उड़ाने के लिए। बढ़िया है, चलो देखो टी शर्ट मिल रहा है। गाइस ये पतंग देखो क्या बढ़िया लग रही है, मॉन्स्टर वाली। और ये कितनी बड़ी पतंग है, ये ले लेते हैं रॉकेट वाली। हमने ये डिसाइड किया है 10 रुपये की एक पतंग है ये, लास्ट टाइम भी हम यहीं से लेके गए थे। और ये 9 रुपये की पतंग है, ये 15 रुपये की एक पतंग है, ये भी अच्छी लग रही है पतंग, लेकिन 10 रुपये वाला ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि लास्ट टाइम कटने के बाद 15 रुपये चले आएंगे। लास्ट टाइम तो लेके गया था, लास्ट टाइम भी लेके गया था तो बढ़िया उड़ी थी, अच्छा बढ़िया था। 50 पतंग बहुत है, 50 के हाथ ले रहे हैं, बाकी और देखते हैं कुछ अलग मिलता है अगर कोई डिज़ाइन वाला वो ले लेंगे। ये हो गया पैक हमारा पतंग, हमने ये पतंग ले लिया है। अब ढूंढते ज़रा कोई बढ़िया डिज़ाइन वाले पतंग है। राहुल कौन बेच रहा है भैया ये? कितने की है पतंग ये? ये 40 रुपये की चार, 20 रुपये की चार बोल रहे हो ना? ये वाली पतंग डिसाइड की है, ये वाली दो पतंग ले रहे, दो वो पतंग लेंगे, दो ये पतंग लेंगे। तो खाते खाते हमें इनको लग गया भूख, और अब ये खाए हुए हम अपना टिक्की बनवा रहे, टिक्की आलू टिक्की। तो गाइस हमने एक ये वाली पतंग ली है, अपने साइकिल की तरह है, बढ़िया मस्त मस्त लग रही है। बाकी जब उड़ेगी तब आपको हम दिखाएंगे, ब्लॉग में देखना आप इसका कैसा उड़ेगी भी कि नहीं उड़ेगी। हाँ 15 अगस्त में जब ब्लॉग बनाएंगे तब देखना। बाकी और भी पतंग है, ये वाली पतंग ली है, बाकी ये सब बड़ी बड़ी पतंग है, इतनी बड़ी लेनी है नहीं। ये 15 रुपये की एक पतंग दी है हमें, और ये 20 रुपये की एक पतंग, बहुत बड़ी पतंग है, इतना वो उड़ान उड़ तो जाएगी बट संभालने में दिक्कत होती है। यहाँ से निकल रहे हैं अब हम, गर्मी बहुत ज़्यादा है, करते हैं बहुत हो गई जितनी पतंग, जितना शॉपिंग करना था कर लिया, अब निकलते हैं, अब आपको मिलते हैं हम बाइक पर सीधा। चलिए कर ली हमने शॉपिंग, काइट की पतंगे हो गई ख़रीद ली हैं, अब निकलते हैं हम यहाँ से घर को, टाइम हो गया 3:30। अब जिस किसी को आना है
दिल्ली में जो रहता है आसपास वो आकर के रह लेके जा सकता है। भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, सैटरडे है, क्या पता है इस वजह से भी भीड़ ना हो, कल संडे है कल भीड़ हो जाए, बट अभी तो बिल्कुल सारा दुकान खाली खाली था लगभग। जंतो जहद के साथ बाद जाम से निकलने के बाद गाइस हम बाहर निकल गए हैं, कनाट प्लेस राइट है, कनाट प्लेस होकर के चलते हैं। चलिए तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं इंडिया गेट, आपको हमने सोचा चलो इंडिया गेट भी दिखा देते थे, थोड़ा सा घूम लिए। और राइट साइड में अभी आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति भवन है, अपने लेफ्ट साइड में इंडिया गेट है, ये देखो यहीं से पतंग उड़ा लेंगे हम, पतंग उड़ा रहे बच्चे लोग, आपको दिखाते हैं एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ से दिखाते हैं, ये देखो ये है इंडिया गेट यहाँ का, ये रहा इधर इंडिया गेट है एंड इधर राष्ट्रपति भवन है। पहले इस रोड पे सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, अब बंद कर दिया, यहाँ पे शायद पार्किंग अलग कर दिया है। कितना 4:15 भाई, कब घर पहुँचेंगे हम। तो गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए हैं, हालत ख़राब हो गई, आपको दिखाता हूँ मैं हेलमेट के अंदर, ये बाहर से तो इतना कूल लगता है, कितना बढ़िया लगता है, बट जो अंदर इस मौसम में जो पहन के घूमता है ना उसका हाल कुछ ऐसा होता है, देख लो ऐसे होती है मोटो व्लॉगिंग, बोलना आसान है बट करना नहीं, तो बहुत टफ। बट हम पहुँच गए, हमारी शॉपिंग भी हो गई, वाइजर का दिखा देखो आगे, वाइजर तो एकदम खतरनाक, वाइजर देखो भाई, इतने लोगों ने नोटिस किया ना मत पूछो, कोई नोटिस कर, वाइजर भी बढ़िया हो गया है, मस्त लग गया है। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, शेयर करना, दबा के शेयर लाइक करना, एकदम शेयर कर लेना और लाइक कर देना, और नेक्स्ट जल्दी इसके बाद ये पहले वीडियो आएगी, देन इसके बाद फिर एक ट्रिप का वीडियो आएगा जो अभी आपको बताया था फ्लैश डाउन का अभी, तो मिलते ही वीडियो यही एंड करते, बाकी अब दिखाओ पतंग, अब आपको हम मोटो व्लॉगिंग तो बहुत दिखा दी, अब हम आपको पतंग की फाइटिंग दिखाएंगे, काइट फाइटिंग कैसे होती है, चलो अब निकलते हैं।